What'd you do? Aha! Very nice. आज बाहर से खाना मंगाया गया है तो एज यूजुअल मुझे पार्सल लेने के लिए नीचे जाना पड़ेगा। हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे से होंगे। आज संडे को मन में आया है कि बाहर से खाना मंगाते हैं, तो फुल पूरा खाना लंच आज दोपहर में बाहर से मंगाया गया है। ये आ गया पार्सल आ गया है, डिलीवरी वाला आकर वेट कर रहा था और मेरे को लगा बहुत सारा है, उसका पूरा बॉक्स भरा हुआ था। तो मैं बोला चल ऊपर, बोल रहा मेरा टाइम वेस्ट हो गया, ऐसा है वैसा है, शुरू में ही आ गया होता और ऊपर आना अलाउड नहीं है एक्चुअली डिलीवरी वालों को। ये पैकिंग है, ये दो डब्बा देखा मैं पूरा भरा हुआ था और वो ये देखो, ये थाली है नॉनवेज थाली। लंच बॉक्स का अनबॉक्सिंग नया है ये है पूरा आइटम। कुछ काम था करके आ गया, अभी मैं लंच करने के लिए बॉक्स खोलता हूँ। आज सोचा गया कि चलो अच्छा मंगा कर कुछ खाते हैं, तो सिर्फ स्टार्टर है। अब इसके साथ ये लच्छा पराठा कोई कैसे खा सकता है, किस चीज से खाएगा आदमी, स्टार्टर से? मम्मा को मार रहा है तू? बेटा नो, गिर जाओगे बेटा। वैसे ये मेरी चाबी उतरवाया गाड़ी का और अपने गाड़ी में लगाकर इसको ऑन कर रहा है। चल ऑन कर बेटा अपनी गाड़ी, ऑन कर। आज एकदम आलस में दिन जा रहा है, आलस में करते करते भी कुछ न कुछ काम हो जाता है। आज मन में आया कुछ नहीं करता हूँ लेकिन कुछ न कुछ करना पड़ रहा है। चाबी लेकर गाड़ी चला रहा था मेरा। अब ये कौन सा स्टाइल है, ऐसे कौन चलाता है भाई? अरे अरे, मेरी चाबी लेकर अपने स्कूटर चला रहा। कपड़े लगा देता हूँ धुलने के लिए। कपड़ा धुल जाएगा अभी एक घंटे में। खाना खा लेता हूँ, खाना खाने के बाद फिर तुम्हारा हिसाब करूंगा। जो बैठे हो ना महाराज जी सा, फिर तुम्हारा गल्लू खाऊंगा। This is your ear, Kanu. Ear. This is hand. Ha, put it here. Put it on the hand. उसकी मम्मी ने आज इतना सारा एक्टिविटी करा और उसके खिलौने को शॉर्ट करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाई। अभी कल मैं देखता हूँ, लगकर शॉर्टिंग करते हैं। सब एकदम फेंक देता है ना इधर उधर, एकदम मस्ती में आकर। अभी पढ़ने में भी ये बैग रखा गया, दादाजी का बैग एकदम। आज ऐसे ही एक मूवी देखा,
टोटल धमाल, थोड़ा सा बचा है उसको रिकॉर्ड, एक्चुअली हम लोग रिकॉर्ड करके ही देखते हैं, रिकॉर्ड करके रखो तो फॉरवर्ड कर करके देख सकते हो, तो एक्चुअली जो उतना ही टाइम जाता है जितना कि मूवी का रहता है। और नेटफ्लिक्स पर एक पैरेलल में मैं कल देख रहा था गेम, हाँ गेम ठीक ठाक अब तक तो लग रही थी, आधा देखा हूँ आधा आज देखूँगा, तो आज ज़्यादा काम है नहीं, आज क्लास तो संडे है तो क्लास आज नहीं है, पूरा रेगुलरली वीक में उन लोगों ने किया तो कोई एक्स्ट्रा सेशन नहीं है, नहीं तो फिर एक्स्ट्रा सेशन हो जाता है, तो कभी कभी संडे को भी लेना पड़ता है, तो इस संडे को फ्री हूँ और अभी सब कुछ हो भी गया है तो अभी चलूँगा मूवी देखूँगा और सो जाऊँगा। मुंबई में माहौल तो ठीक हो रहा है, केसेस भी कम आ रहे हैं और एक्चुअली पूरे देश में भी केसेस कम आ रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा न्यूज है, होप कि शायद 1 जून से यहाँ पर लॉकडाउन में थोड़ा राहत मिले और 15 जून ऑनवर्ड तो हो सकता है कि कम भी हो, मतलब ओपन हो जाए, और होप कि जल्दी से ओपन हो, तो क्या मूवमेंट रहता है तो अच्छा लगता है, कहीं आप आ जा सकते हो रेस्ट्रिक्शन फ्री, नहीं तो हमेशा दिल में रहता है, अभी हमेशा दिमाग में रहता है ये हाँ कर रहा है डरा रहा है। इसको तो हम लोग पार्क वगैरह में एक बार लेकर गए, लेकिन जाने का मौका ही नहीं मिला, पिछले साल से लॉकडाउन में ही है ये बेचारा, और लॉकडाउन में ही धीरे धीरे हम लोगों ने इसको बड़ा कर लिया, एक एक मोमेंट इसका हम लोगों ने देख लिया लाइफ। चलिए अभी ये लोग एक और एक्टिविटी कराने जा रहे हैं, देख पापा थोड़ा थोड़ा सिखाने की कोशिश करते रहते हैं और सीखता भी है और कंसंट्रेट करता है, जब कुछ बताया जाता है तो उस पर फोकस करता है, तो बच्चों को एक्चुअली ये थोड़ा ट्रेनिंग देना चाहिए। चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, आप लोग जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और कोई भी परिस्थिति हो उसमें डटे रहिए, पीछे से हंसा रहा मेरे को, थैंक यू, बाय बाय।